हेलो गाइस, एंड्रॉइड में फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंगर पे अगर आप किसी भी वेबसाइट को होस्ट करते हैं और जब उसको रिन्यूअल करते हैं तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसी ऐसी होस्टिंग पे जहाँ पे आपका रिन्यूअल फीस ज्यादा रही है तो कैसे आप उसको कम करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में जिसकी कॉस्ट 15,387 रुपये आ रही है उसको हम बाय करेंगे 7,874 रुपये में सेम ड्यूरेशन यानी सेम टाइम पीरियड के अंदर। तो देर न करते हुए चलिए देखते हैं कि कैसे आपको ये काम करना है। ओके गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं होस्टिंगर के एज पैनल पे। यहाँ पे ऊपर हमको नोटिफिकेशन मिल रहा है कि आपकी होस्टिंग जो एक्सपायर होने वाली है। यहाँ पे रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिन्यूअल जितनी भी फीस रही वो दिख जाएगी। तो यहाँ पे 12 मंथ है, हम क्या करेंगे इसको 2 साल पे करके देखते हैं। 12 मंथ में 7,773 रुपीज़ आती है। यहाँ पे हम करते हैं इसको 24 मंथ्स, उसके बाद देखते हैं इसका कितना पेमेंट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,387 रुपये आ रहा है। यहाँ पे हम एक कूपन कोड यूज़ करेंगे लाइव वर्ड। आगे वीडियो में आपको और कूपन कोड बताने वाले हैं। अप्लाई इस पर क्लिक करेंगे कूपन पे। यहाँ पे देख सकते हैं 14,298 रुपये हो चुका है, यानी 1,089 रुपीज़ जो है हमको डिस्काउंट मिल चुका है। अगर इसमें आप और ज़्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये होस्टिंग की कॉस्ट आ रही 15,387 रुपये, अगर आप इसको 7,874 पे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा माइग्रेशन। बस घबराइए मत, आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे कि माइग्रेशन कितना आसान है, आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो है यहाँ पे बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एक दूसरे जीमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे होस्टिंग प्लान में जाएंगे, अपनी होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट करेंगे। जब आप होस्टिंग को रिन्यूअल करते हैं तो वहाँ पे ये होस्टिंग कंपनी जो होती है चार्ज बहुत ज़्यादा रखती है, और जब आप नई होस्टिंग को यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम लेते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, यहाँ तक कि 50% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर अपने प्लान को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं जो प्लान यूज़ कर रहा हूँ बिज़नेस वाले को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर सभी आपको फीचर सेम आपको मिलेंगे जो आपको पहले यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ से मैं पहले से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 12 महीने को पहले सिलेक्ट करूँगा कि एक साल का कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 आ रहा है, पहले में क्या था कि 7,000 करीब आ रहा था। तो यहाँ से हम एक कूपन कोड को यूज़ करेंगे लाइव वर्ड को, और यहाँ पर देखते हैं कि कितना डिस्काउंट हो रहा है एक साल पे। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो 5,122 यानी आई थिंक ये 300-400 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन ये जब हम इसको 2 साल पर ले जाते हैं 24 मंथ्स पे, और फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं कि 7,874 रुपये आ रहा है। हम इसको कूपन कोड को हटा दें तो 8,467 रुपये हो रहा था। हम यूज़ करेंगे लाइव वर्ड को। अगर आप एक और कूपन कोड को यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं 1Info22, इसको भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। दोनों पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन सा इस पर आपको कितना डिस्काउंट मिल जा रहा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 साल के लिए होस्टिंग मिलेगी, प्लस आपको एक डोमेन भी मिलेगा 1 साल के लिए। 2 साल की जो होस्टिंग है वो सिर्फ आपको 7,874 रुपये, वही अगर आप रिन्यूअल करेंगे तो आपको 15,387 रुपये देना होगा। तो मैं अभी आपके सामने इस होस्टिंग को परचेज करके दिखाऊंगा और वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कितना ईजी है किसी भी वेबसाइट को माइग्रेट करना। बस आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपकी वेब होस्टिंग एक्सपायर होने वाली है 10 डेज पहले आप ये काम कर लीजिएगा। तो हो सकता है अगर लास्ट टाइम करें तो आप थोड़ा सा कभी कभी होता है टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो सभी से आप पार हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट डाउन भी नहीं होगी, कुछ मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट फिर से लाइव हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपने पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी पेमेंट आपको सही लगता है। उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी होस्टिंग जो है लाइव हो चुकी है। फिलहाल हमको कोई भी डोमेन यहाँ पे अभी बाय नहीं करना, हम इन फ्यूचर इसको छोड़ देते हैं, कभी 1-2 महीने के बाद हम इसको बाय कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कई सारी वेबसाइट है, इनको यहाँ पे माइग्रेट करने में काफ़ी टाइम लगेगी, इसीलिए मैंने इसको 10 दिन पहले ये काम शुरू किया है ताकि मुझको अच्छी खासी टाइम मिल जाए और हम इसको आसानी से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकें। तो होस्टिंगर से होस्टिंगर पे अगर आप वेबसाइट को माइग्रेट करना चाहते हैं, वर्डप्रेस को माइग्रेशन पे ले जाना चाहते हैं, तो इस रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बना कर रखा हूँ जो कि इसी वीडियो का पार्ट है। मैं पहले उसको पब्लिश कर दिया हूँ, बाद में इसको पब्लिश कर रहा हूँ ताकि दोनों का लिंक आप आसानी से मिल जाए। वीडियो के आखिर में उसका थंबनेल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बाय करेंगे तो आप अच्छा खासा अमाउंट जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आई होप ट्यूटोरियल और इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट होने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपसे ले दीजिए, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।